तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी 9i के बारे में। तो गाइज रियलमी 9i रियलमी 9 सीरीज का ही एक डिवाइस होगा जो कि अगले साल लॉन्च होगी। रियलमी 9 सीरीज के अंडर अब की बार भी हमें चार डिवाइसेस देखने को मिल सकते हैं जो कि रियलमी 9, 9 प्रो, 9i और 9s होंगे। इनमें से कुछ डिवाइसेज हमें 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ भी देखने को मिलेंगे। और अभी फिलहाल रियलमी 9i के काफी लीक्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे रियलमी ने इस साल अपनी 8 सीरीज को मार्च में इंडिया में लॉन्च किया था, लेकिन अगले साल ये हमें जल्दी देखने को मिलेगी और फरवरी के आसपास रियलमी 9 सीरीज को लॉन्च किया जा सकता है। कई सारे खास फीचर्स जैसे कि 90Hz डिस्प्ले, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा एक्सेट्रा के साथ रियलमी 9i आएगा। इसके लगभग सभी स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने हैं और उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च के बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पहले बात करें इसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें हमें 6.5 या 6.6 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पैनल, 90Hz रिफ्रेश रेट, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 400 PPI पिक्सल डेंसिटी और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल सकता है। 6 नैनोमीटर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 4G SoC और एड्रेनो 610 GPU के साथ ही आएगा और 6GB तक LPDDR4X RAM के साथ 128GB के UFS 2.1 इंटरनल स्टोरेज ऑप्शंस हमें इसमें देखने को मिलेंगे। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ ही आएगा। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसके बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें प्राइमरी सेंसर 50MP का और दो मेगापिक्सल के डेप्थ और माइक्रो सेंसर्स मिलेंगे। फ्रंट में लेफ्ट साइड पंच होल कटआउट में 16MP कैमरा सेंसर के साथ ही आएगा। पावर बैकअप के लिए 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ही आ सकता है। एंड्रॉइड 12 बेस्ड रियलमी UI 3.0 पे रन करेगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें होगा और कनेक्टिविटी ऑप्शंस में ये 4G, 4G LTE, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS और USB टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। 3.5mm हेडफोन जैक भी इसमें मिलेगा। अब बात करें इसके एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च की, तो ये अगले साल फरवरी के आसपास देखने को मिल सकता है और इसे कंपनी 9 और 9 प्रो के साथ ही या फिर बाद में 9S के साथ लॉन्च करेगी। ये बेस 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज में आएगा और इसकी प्राइस करीब 12,000-13,000 रुपीज के आसपास रखी जा सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिली है। जैसे इसके बारे में कुछ और नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे तो आपको हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।